नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतुराज पांडे और आप देख रहे हैं मिंग स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल हमने 100 क्वेश्चन का सीरीज बनाया है। ये पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू आएगा। तो इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के हैं, तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? तो वीडियो इसलिए कुछ कारण था इसलिए नहीं आ रहा था। अब से वीडियो जो होगा रेगुलर आएगा, एक दिन दो दिन बीच करके रेगुलर आएगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप लोग गेमिंग स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग गेमिंग स्टडी पर। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एम्पियर किसका मात्रक है? पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन बी है विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी है विद्युत धारा का, और ऑप्शन डी जो है चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का, राइट एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। जबकि विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है टेस्ला होता है, याद रखिएगा। और प्रकाश की तीव्रता का क्या होता है? वो होता है प्रकाश की तीव्रता का जो होता है वो होता है कैंडला होता है, याद रखिएगा। इसका होता है कैंडला, नोट कर लीजिएगा। और विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम्ब होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम या फिर 250 मिलीग्राम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, किस ऊतक के नाखून खूर और सिंग बने होते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्यूटाइन, दूसरा ऑप्शन है काइटिन, तीसरा ऑप्शन है कीरेटिन और चौथा ऑप्शन है ट्यूनिसिन। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं क्या होता है? कीरेटिन होता है, कीरेटिन का बना होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने या फिर एडविन हबल ने? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं क्या होता है? कॉपरनिकस ने, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, एक्टिनोमीटर या फिर बैरोमीटर? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं क्या होता है? एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर होता है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर या फिर वेंचुरीमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्टीमीटर, सॉरी सोनार हो जाएगा इसका राइट आंसर। समुद्र की गहराई को मापने के लिए, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। जब कोई भी जहाज डूब जाता है या फिर कोई भी पनडुब्बी डूब जाती है तो उसको पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। परावर्तन के द्वारा क्या होता है? ध्वनि जो होता है वो टकर कर वापस आता है, तो उससे हम लोग पता लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है सोनार का, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बल का, बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार तथा त्वरण का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भार और वेग का, भार और वेग का गुणनफल होता है बल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? कांच, सीमेंट, पेंट या फिर गन पाउडर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन पाउडर, गन पाउडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टॉक में निम्नलिखित में से क्या होता है? जिंक, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन व टीन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन व सिलिकॉन या फिर जिंक टीन व गंधक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन व सिलिकॉन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन व सिलिकॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दिल का दौरा किस कारण से आता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाना, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाना इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो अज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली जो होता है वो खाद्य प्रोटीन में दो ज्ञात स्रोत है। खाद्य प्रोटीन का सबसे बढ़िया ये है, क्या है? सोयाबीन और मूंगफली। प्रचुरता मात्रा में प्रोटीन इसमें पाया जाता है, सोयाबीन और मूंगफली में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में के लिए क्या काम आता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का यूज किसके रूप में किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उसके रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का, जो साइड में गाड़ी के मिरर लगा रहता है उसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का। ये साइड मिरर जो होता है इसमें यूज किया जाता है किसका? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मछली का एयर ब्लैडर यानी कि वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग, द्रव स्थैतिक अंग, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों, या फिर मुख्य श्वसन अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक श्वसन और अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या याद रखिएगा 639 होती है। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो 639 होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि 639 मांसपेशियां होती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है तो जर्मेनियम, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो कमरे के तापमान पर भी द्रव हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, फ्रेंसियम या फिर सीरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो होता है कमरे के ताप पर ही क्या हो जाता है? द्रव हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एसी से डीसी यानी कि परिवर्तित धारा से दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर या फिर ट्रांसमीटर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर, ना कि ट्रांसफार्मर। बहुत लोग ट्रांसफार्मर सोचते हैं, बिल्कुल गलत है ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह धातु जो एसिड एवं एलिकिन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक, याद रखिएगा, जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन या फिर कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने या फिर न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन का खोज, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील या फिर तोता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ जो होता है उड़ने वाले पक्षियों के वर्ग में नहीं आता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मटर का पौधा क्या है? साग, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साग है। मटर का पौधा जो होता है वो क्या होता है? साग होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, परावर्तन के कारण। याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे किसके कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। चलिए अगले क्वेश्चन के नंबर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? तांबा, यूरेनियम या फिर एल्युमिनियम या फिर चांदी। तो याद रखिएगा, यूरेनियम है जो सबसे भारी धातु है। क्या है? यूरेनियम सबसे भारी धातु, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, क्यों, इसका क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है, अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक ताप क्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा का मात्रा, सॉरी यहाँ पर मात्रा है, ऊष्मा का मात्रा, ऊष्मा का मात्रा अधिक होता है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक दाब पर पानी अधिक ताप क्रम पर उबलने लगता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदिश राशि जो है वो वेग है, याद रखिएगा, वो क्या है? वेग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की गति तीव्रता के लिए, या फिर रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, डेसिबल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खट्टे फल में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फल में क्या होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों पौधे में किसकी उपस्थिति में भोजन बनता है? हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश, अंधेरा, उष्णता या फिर लवणता और खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? एपिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर या फिर सेरी कल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरी कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? सेरी कल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े को पालने को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या फिर गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, फिर विखंडन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम या फिर तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब अनुचुंबकीय, विद्युत अनुचुंबकीय कौन होता है? तो याद रखिएगा, क्रोमियम, क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें शीतलक के रूप में ठंडा करने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रियान 12, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फ्रियान 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता, जैसे दूध की गुणवत्ता को मापते हैं किसमें? लैक्टोमीटर में। वैसे ही पेट्रोल की गुणवत्ता को भी, क्वालिटी को भी मापा जाता है किसमें? तो पहला ऑप्शन है सीटेन संख्या, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णांक, तीसरा ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या और चौथा ऑप्शन है योगिक अनलेडेड यौगिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से गुण सूत्र को के मिलने से बालक का जन्म होता है, होगा? तो पहला ऑप्शन है पुरुष का एक्स व स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स व स्त्री का वाई, पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स, पुरुष का वाई व स्त्री का वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। देखिए पुरुष में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है, जबकि स्त्री में क्या पाया जाता है?
पुरुष में सॉरी एक्स वाई पाया जाता है पुरुष में, और स्त्री में एक्स एक्स पाया जाता है। ये जो पाया जाता है वो किस में, ये पुरुष में पाया जाता है और ये स्त्री में पाया जाता है। एक्स और वाई जो होता है वो किस में पाया जाता है, पुरुष में, और एक्स एक्स किस में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। देखिए जब पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स होगा तो क्या होगा, बालक का जन्म होगा, याद रखिएगा बालक का जन्म होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगर दोनों एक ही हो, जब एक्स एक्स हो तो क्या होता है, बालिका यानी लड़की का जन्म होगा उससे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन या फिर लैमार्क ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क ने, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, चली हुई गोली में, बढ़ता हुआ पानी या फिर चलता हथौड़ा या फिर खींचा हुआ धनुष। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष में स्थिति गतिज ऊर्जा नहीं होती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, योगदान की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया लैमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने या फिर पाश्चर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने, डार्विन ने योगदान की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है, निकेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दांत या फिर वर्निफॉर्म अपेंडिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत जो होते हैं मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी सड़े हुए अंडे की तरह होती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी गंध जो होता है सड़े हुए अंडे की तरह होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ऑक्टोपस क्या है, संधिपाद, शूलचर्मी या फिर हेमिकार्डेंट या फिर मृदुकवची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदुकवची, याद रखिएगा मृदुकवची होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, क्रेफिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश या फिर सिल्वर फिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश जो होता है एक तरह की मछली है, बाकी सब नहीं है, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6, याद रखिएगा क्या होता है 1/6 सबसे नजदीक होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, याद रखिएगा 1/6। ये अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की किसकी जरूरत होती है, एंटीबायोटिक की, पेंसिलिन की या फिर इंसुलिन की या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की, याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है मधुमेह होता है, और इसी की जरूरत होती है जब कोई मधुमेह से पीड़ित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12, 10, 14 या फिर 11। तो मनुष्य की पसलियों की संख्या जो होती है, याद रखिएगा 12 होती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में खोपड़ी की कितनी अस्थियाँ होती है, खोपड़ी की जो अस्थियाँ होती है, याद रखिएगा वो होती है 8। इसका राइट आंसर है, इसका 8 राइट आंसर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एमिंग स्टडी सर्च कीजिएगा, एमिंग स्टडी
वहाँ से आपको इसका पीडीएफ, टेलीग्राम पर वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ इसका डाल दूंगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, और हमेशा आज से वीडियो आएगा। बहुत लोग पूछ रहे थे सब वीडियो कब से आएगा, तो वीडियो अब से रेगुलर आएगा, अब से वीडियो नहीं रुकेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।